is, I think, so 31 of your textbook. So phylum Ctenophora, as you can see on the screen, these are all the examples of the Ctenophoras. They have been commonly called as a comb jellies. They are commonly called as a comb jellies. Why they are called as a comb jellies? As you can see in the diagram also, they are having comb-like structures all over the body. Also, they have been also called as a sea walnut. Walnut pata hai na sabko? Haan, akrod. So, वैसे कुछ round shape का इसके लिए इसको sea walnut भी बोला जाता है. The most important point about the Ctenophorans are they are found only and only in the marine water, never ever in the fresh water. Okay, they are always found in the sea or the ocean. As you can see over here in the diagram also, they are the free swimmers. They are diploblastic animal, radially symmetry, blind sac of body plan. Okay. Now let us talk about how they move. So for locomotion, you can see that there are 8 rows of comb plates. ऐसे एक एक plates आपको नजर आ रहा है. 8 rows, 1, 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करते करते 8 rows है. Comb के जैसा plates present है. And therefore they are commonly called as a comb jellies. The most important characteristics of the Ctenophorans are इन लोग में से light निकलता है. ऐसा पानी के अंदर जैसे हम दिवाली में lighting कैसे करते हैं, वैसे पानी के अंदर ये ऐसे जगमग जगमग light के जैसा जलता है. तो that particular characteristic is called as the bioluminescence. Luminescence का मतलब होता है light. You must have also heard about the jugnu. पता है ना बेटा सबको? Yes. है ना, रात के टाइम पे jugnu में से भी light निकलता है, correct है? So yes. Again that is a type of a bio. Why we are using the word bio? Because animals में से जब light produce होता है, therefore it is called as a bioluminescence. तो एक आपने insect में तो देखा है जिसको आप जुगनू बोलते हैं, और दूसरा जो पानी में रहने वाला है, that is a Ctenophorans. Comb jellies में भी ऐसे अलग-अलग कलर के multicolor light emit होता है, and this is the special characteristics of this Ctenophorans, that is a bioluminescence. बाकी के और सब characters it is same like the Ctenophora, this Ctenophoras only. सॉरी निडारियस, बाकी का सब सेम ही है. इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होगा, ठीक है. देन इन केस ऑफ द निडारियंस मैंने आपको बताया था अबाउट द नेमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स के बारे में बताया था मैंने. नीडोब्लास्ट जिसके अंदर होता है नेमेटोसिस्ट, है ना, वो स्टिंगिंग सेल्स मैंने आपको बताया था. इट इज यूज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस. अब आप इसके पास देख सकते हो एक लंबा सा दो थ्रेड के जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, करेक्ट है. और ये जो है दीज आर बीन कॉल्ड एज अ कोलोब्लास्ट. कोलोब्लास्ट दीज आर द स्टिकी सेल्स. तो ये जो है ना जो लंबे लंबे कोलोब्लास्ट, इसी से वो अपने प्रे को पकड़ता है, कैप्चर करता है. मतलब ये जो एंड्स आपको नजर आ रहे हैं ना, दे आर स्टिकी एंड्स. तो जिसको भी इसको पकड़ के खाना रहता है बस उसके ऊपर ऐसा मारेगा और फिर वो चिपक के आ जाएगा. सो टेंटेकल्स टाइप. हाँ यस, टेंटेकल्स ये बेटा, बट दिस टेंटेकल्स आर कॉल्ड एज अ कोलोब्लास्ट बिकॉज दिस टेंटेकल्स आर स्टिकी वन. स्टिकी है इसके लिए हम इसका नाम कोलोब्लास्ट बोलते हैं. दे आर स्टिकी रिट्रेक्टाइल. रिट्रेक्टाइल मतलब पीछे आ सकता है. टेंटेकल्स विच आर यूज टू कैच द प्रे. कोलोब्लास्ट डिस्चार्ज एन एडेसिव थ्रेड. एडेसिव का मतलब चिपकने वाला, विच इज स्टिकी टू द टच. सम स्पीशीज लैक टेंटेकल्स इन द बॉडी इज स्टडेड विद अ कोलोब्लास्ट. ठीक है, कुछ कुछ के पास टेंटेकल्स नहीं होते हैं और उनके बॉडी के ऊपर ही कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं. स्टडेड मीन्स उनके बॉडी के ऊपर ही कोलोब्लास्ट होते हैं.
So this is a diagram. You can see this comb plates, 1, 2, these are the comb plates you can see over here, and these are the tentacles which are called as a coloblast. So tenophoras ke andar jo special point hai, teen important points hai, aur inke andar se 4 important points. सबसे पहला बात कि इसको हम कोम्ब जेलीज बोलते हैं क्योंकि हमें इनके अंदर कोम्ब प्लेट्स नजर आते हैं. सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये सिर्फ और सिर्फ मरीन वाटर में ही पाए जाते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दे एमिट लाइट एंड देयरफॉर कॉल्ड एज बायोल्यूमिनेसेंस का इनके पास कैरेक्टरिस्टिक होता है. एंड द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये अपना प्रे को कैसे पकड़ते हैं, तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस कोलोब्लास्ट. What are exactly these coloblasts? They are these sticky ends, sticky cells, which helps in capturing the prey. और बाकी का reproduction is bisexual reproduction with indirect development. Indirect development का मतलब क्या होता है? When the larva looks different from the adult. That type of developments are called as a indirect development. ठीक है? वेरी क्लियर. एक्चुअली टीनोफोरा पहले के टाइम पे टीनोफोरा वॉज कंसिडर्ड इन द फाइलम निडारियंस ओनली, क्योंकि इनके अंदर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब निडारियंस के जैसा ही है. सिर्फ इनके पास नीडोब्लास्ट नहीं है, टेंटेकल्स तो है पर नेमेटोसिस्ट मतलब नीडोब्लास्ट नहीं है. इसके लिए इनको कोई कोई बुक्स में अ निडारियंस भी बोला जाता है. ठीक है, टीनोफोरा को ही अनिडारियंस भी कहा जाता है. व्हाट इट ऑल ऑफ यू, क्योंकि इनके पास कोल ये नहीं है, निडोब्लास्ट नहीं है इसलिए. सो लेट अस हैव दिस लुक. सो दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन एनिमल्स. दे आर कॉमनली कॉल्ड एज अ कोम्ब जेली और द सी वॉलनट्स. डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, ब्लाइंड सैक बॉडी टाइप है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी इज रेडियली सिमेट्री, स्फेरिकल बॉडी होता है विद rows of cilia and their cilia are arranged like a comb plates, okay, which are used for locomotion. Bioluminescence is the special characteristics that is emission of light. Digestion either extracellular hota hai ya to intracellular hota hai. Sexual reproduction hota hai, fertilization body ke bahar hota hai aur development indirect hota hai. इनके पास निडोब्लास्ट नहीं है, नहीं है, इसके लिए हम इसको अनिडारियंस भी कहते हैं. निडोब्लास्ट की जगह पे इनके पास कोलोब्लास्ट है जिसके अंदर स्टिकी सेल्स होते हैं विच आर यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे. एंड एग्जाम्पल्स आर टू एग्जाम्पल्स यू कैन सी दैट इज अ टीनोफोरा एंड द प्लूरोब्रैकियास. कैन सी द डायग्राम वंस अगेन. Tenophoras and the pleurobrachias is the two examples are been given. Just have a look for the characteristics and then we will move on to the next phylum. Ma'am. हाँ बोलो बेटा. Ma'am. एक बार रिपीट करो ना उसका डिफरेंस निडोब्लास्ट का और कोलोब्लास्ट का. अच्छा मैं आपको इसके लिए इधर जाके लेके जाती. देखो निडोब्लास्ट जो होते हैं, देखो ये वाला मैं निडारियंस का फाइलम निकाली हूँ. हाँ निडोब्लास्ट जो होता है वो टेंटेकल्स में ही होता है, पर टेंटेकल्स के अंदर एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसको हम स्टिंगिंग सेल्स बोलते हैं जो है नेमेटोसिस्ट. याद आया, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था. yes, वापस रिपीट कर रही हूँ. जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ हाइड्रा. हाइड्रा का जो टेंटेकल्स है उसके टेंटेकल्स को हम नीडोब्लास्ट भी कह सकते हैं. क्यों नीडोब्लास्ट बोलते हैं? क्योंकि उसके टेंटेकल में एक स्पेशल टाइप का स्टिंगिंग डंक मारने वाला सेल्स है जिसको हम नेमेटोसिस्ट बोलते हैं. ठीक है. अच्छा जब हम फाइलम में आगे बढ़े तो हमने देखा कि टीनोफोरास के पास भी टेंटेकल्स है, पर इनका जो टेंटेकल्स है वो डंक मारने वाला नहीं है, उसमें नेमेटोसिस्ट नहीं है. टेंटेकल इसके पास भी है, टेंटेकल निडारियंस के पास भी है, पर उनके टेंटेकल्स में और इनके टेंटेकल्स में क्या फर्क है? उनके टेंटेकल्स को हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं क्योंकि उसमें नेमेटोसिस्ट है जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर है, जबकि
टीनोफोरा का जो टेंटेकल्स है उसमें स्टिकी सेल्स हैं, तो वो चिपका के एडिवसिवनेस से वो कैप्चर करता है। तो ये yes, फर्क है, समझा, ये फर्क है कोलोब्लास्ट एंड दी नीडोब्लास्ट में, ठीक है। yes, ओके चलो, अब हम और थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन होने के बाद अभी हम थोड़ा नेक्स्ट फाइलम में मूव कर रहे हैं। तो देखो जैसे जैसे आप फाइलम में आगे बढ़ रहे हो आपको कुछ न कुछ नया देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फाइलम में जाते हैं, द नेम इज प्लैटी। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, और हेलमेंथिस का मतलब होता है वर्म। तो ऐसे वर्म जो आगे से और पीछे से डॉर्सो वेंट्रली, ठीक है, डॉर्सो मीन्स पीछे का साइड, वेंट्रली मीन्स आगे का साइड। सो ऐसे एनिमल जो डॉर्सो वेंट्रली पीछे से और आगे से फ्लैट बॉडी है, यस, लाइक अ रिबन लाइक बॉडी, रिबन के जैसा बॉडी है, वैसे सारे वर्म्स को हमने एक ही फाइलम में ग्रुप किया है, दैट इज अ प्लैटी हेलमेंथिस, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में, दैट इज अ प्लेनेरिया फैसियोका, ठीक है, टेनिया सोलियम, दैट इज अ टेप वर्म, ठीक है। नाउ लेट अस लर्न द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज लिवर फ्लूक, हाँ, फैसियोला मीन्स लिवर फ्लूक होता है, प्लेनेरिया एंड दिस इज द टेप वर्म, ओके। तो पहले हम समझते हैं कि कैसा दिखता है। तो जो अडल्ट वर्म होता है दैट इज अ वाइट इन कलर, वेरी इलॉन्गेटेड बॉडी, जिसको हम स्ट्रॉबिला भी बोलते हैं, बॉडी को ही स्ट्रॉबिला भी बोला जाता है। कैसा होता है, फ्लैटेंड होता है, चपटा होता है। सेफेलिक का मतलब बायो में होता है हेड रीजन, हेड। तो सेफेलिक पोर्शन जो है ऑफ स्ट्रॉबिला ऑफ बॉडी डिफरेंशिएटेड इंटू एन अटैचमेंट ऑर्गन विच इज कॉल्ड एज अ स्कॉलेक्स, ठीक है। मतलब अब देखो ये जो फ्लैट वर्म्स है, अगर मैं टेप वर्म की बात करती हूँ, तो आपने बचपन में सुना होगा कि ये जो टेप वर्म है वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है। या फिर आप लिवर फ्लूक की बात ले लो, लिवर फ्लूक कहाँ पर रहता है, लिवर में जाके रहता है। किसके लिवर में, शिप के लिवर में जाके रहता है। अगर ये कहीं तो रहता है, मतलब हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है या फिर शिप के लिवर में रह रहा है, मतलब उसके पास कुछ तो होना चाहिए माउथ जैसा, जिससे कि वो अटैच कर सके, जिससे वो चिपक सके पर्टिकुलर ऑर्गन में। तो वो जो चिपकने वाला पार्ट है उसी को हम स्कॉलेक्स बोल रहे हैं, जिससे कि वो अटैच कर पाएगा आसानी से होस्ट के ऊपर। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द सिस्टम्स इन डिटेल। नाउ मैं एक एक करके सारे सिस्टम्स आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी देखो, अभी तक आपने जितने भी फाइलम्स देखे, हाँ, पॉरीफेरा, सिलेंटरेटा और टीनोफोरा, इन सबके पास, किसी के पास एक्सक्रीटरी सिस्टम अलग से नहीं था, पर फर्स्ट टाइम इन द किंगडम एनिमेलिया यू विल सी दैट द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज बीन सेपरेटेड। बॉडी में एक अलग सेल्स हैं, कुछ सेल्स इकट्ठा होके एक्सक्रीशन का काम करने लगे हैं, जो अब तक के फाइलम में हमें देखने के लिए नहीं मिला था। तो ये जो स्पेशल सेल्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ एक्सक्रीशन का काम करते हैं, वो कुछ ऐसे लंबे लंबे सेल्स नजर आते हैं हमें ऐसे। तो ये जो लंबे सेल्स है इसको हमने नाम क्या दिया, फ्लेम सेल्स। फ्लेम के जैसा दिख रहा है ना, आग के जैसा दिखता है, थोड़ा सा रेडिश कलर का होता है ये। यस, ये सेल्स बॉडी को जब हम ओपन करेंगे प्लेनेरिया को, तो हमें ऐसे उसके बॉडी में नजर आएंगे, रेड रेड कलर के, पिंकिश कलर के स्ट्रक्चर्स ऐसे पूरे बॉडी में नजर आते हैं। तो लुकिंग लाइक अ फ्लेम, इसलिए हमने उसको नाम क्या दिया, फ्लेम सेल्स। बट एक्चुअली व्हाट आर दिस फ्लेम सेल्स, बिकॉज दे लुक लाइक अ फ्लेम हमने उसको नाम दे दिया फ्लेम सेल्स, बट एक्चुअली दे आर द प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, अब आप देखो एक्सक्रीटरी सिस्टम का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो प्रोटोनेफ्रिडिया आएगा पहले, थोड़े दिनों के बाद ये प्रोटो निकल जाएगा, प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव होता है, प्रोटो निकल जाएगा, फिर नेफ्रिडिया आएगा, फिर नेफ्रिडिया इवोल्यूशन होगा, मेल्फीजिन ट्यूब्यूल में बदलेगा, ठीक है। मेल्फीजिन ट्यूब्यूल वापस थोड़े और इवोल्यूशन होगा, मेल्फीजिन बॉडी में बदलेगा, ठीक है। फिर मेल्फीजिन बॉडी थोड़े इवोल्यूशन के बाद नेफ्रॉन में बदलेगा,
और फिर नेफ्रॉन जो है वो किडनी में बदलेगा। ठीक है, आपको समझ में आया मैंने क्या इवोल्यूशन बताया एक्सक्रीटरी सिस्टम का? तो क्योंकि ये शुरुआत है, फर्स्ट टाइम हमें किंगडम एनिमेलिया में देखने के लिए मिल रहा है, तो ऑब्वियसली द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज नॉट सो वेल डेवलप्ड, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ प्रिमिटिव कंडीशन, सो कॉल्ड एज प्रोटो नेफ्रिडिया। जब भी आप फाइलम में आगे बढ़ोगे, प्रोटो नेफ्रिडिया से नेफ्रिडिया हो जाएगा, फिर क्या होगा, मैल्फिजन ट्यूब्यूल होगा, फिर मैल्फिजन बॉडी होगा, फिर नेफ्रॉन हो जाएगा और फिर किडनी होगा। हमारे पास किडनी है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन है। समझ में आ गया आपको? यस यस। तो फर्स्ट टाइम वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सक्रीटरी सिस्टम, नो डाउट इट लुक्स लाइक अ फ्लेम, सो कॉल्ड एज अ फ्लेम सेल्स, एंड दीज पर्टिकुलर ऑर्गन दे एक्चुअली डू द रिमूवल ऑफ excess water waste through the body. There are small small openings present which are called as a nephridiopores. Got it all of you? But aapko itna detail mein nahi jana hai, aapko sirf itna hi batana hai ki excretory system ke bare mein. Acha, agar hum, maine aapko jab hydra ke bare mein bataya tha, cnidarians ke bare mein, tab maine cnidarians ka special point kya bataya tha? फर्स्ट टाइम वी कैन सी द प्रेजेंस ऑफ नर्वस सिस्टम, नो डाउट द नर्वस सिस्टम पूरा बिखरा हुआ है बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ नर्व नेट, करेक्ट है? यस, बट अगर आप यहाँ पर आओगे प्लैटी हेलमेंथिस में, तो आप देख सकते हो कि जो बिखरा हुआ नर्व नेट था वो अब सेंटर में आ गया है, लुकिंग लाइक अ लैडर, सीढ़ी की तरह नजर आ रहा है। ठीक है, सो लैडर शेप्ड नर्व कॉर्ड इज अरेन्ज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी। हाइड्रा में कैसे था, पूरा बिखरा हुआ था, वो बिखरा हुआ अब एक एक डायरेक्शन में आ रहा है, एक बीच में सेंटर के बॉडी में आ रहा है, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा है। एंड अगेन ये जो पूरा नर्व कॉर्ड है, इट हैज डिफरेंशिएटेड इटसेल्फ, और ऊपर के रीजन में कुछ तो एक बल्जी पार्ट है, यस स्वोलन पार्ट है, नाउ वी कैन टर्म इट एज अ ब्रेन नाउ। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे अगेन इवोल्यूशन किस में हुआ है, नर्वस सिस्टम में हुआ है। नर्वस सिस्टम में कैसे हुआ है, द नर्व नेट हैज अरेंज इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ अ लैडर शेप एंड गिविंग एंड हैविंग अ द एनिमल इज शोइंग अ लैडर शेप नर्व कॉर्ड विद अ ब्रेन। ठीक है, अगर हम उसके इसके बारे में बात करेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, तो नो डाउट द एनिमल इज हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल, बट अभी आप देख सकते हो कि इसके पास ओवरीज भी नजर आ रहे हैं, इसके पास टेस्टिस जैसा भी कुछ है, साथ में ओविडक्ट जैसा भी है एंड पेनिस जैसा भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नो डाउट इट इज नॉट इन अ वेल डेवलप्ड कंडीशन, बट यस शुरुआत है। अब आगे इसी का और मॉडिफाई मॉडिफाई होते होते अच्छी तरह से मॉडिफाई होगा। Got it all of you? Yes. So they are bisexual animals, मतलब कि hermaphrodite animal, because both the sexes are present in the same animal. So let us see what are the points. Most of the platyhelminthes, they are parasitic. ठीक है? They are mostly endoparasite. There are two types of parasite. Parasite का मतलब क्या होता है बेटा? Those animals which depend upon another animal by harming the host animal is called as a parasite, है ना? Exam के time पे कुछ बच्चे, I am specifying as कुछ बच्चे parasite का काम करते हैं, है ना? करते हो कि नहीं कुछ बच्चे? Yes, tell me really truth. आंसर नहीं आएगा, और समझो आपके सामने कोई तो भी बहुत स्कॉलर सा बच्चा बैठा है और आपको कुछ तो नहीं आ रहा है, तो आप उसको परेशान कर डालोगे, और वो नहीं भी बताना चाहते तो भी उसको परेशान करोगे, बताना बताना एक एमसीक्यू बता, है ना? सो दिस इज लाइक अ पैरासाइट, तो सामने वाले को नुकसान हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है, दैट इज अभी आपको याद रहेगा पैरासाइटिक नेचर का मतलब। ठीक है, सो मोस्टली दे आर प्लैटी हेलमेंथस, दे आर मोस्टली पैरासाइट, जैसे कि लिवर फ्लुक हो गया वो शिप के लिवर में रहता है, टेपवर्म हो गया वो हमारे इंटेस्टाइन में रहता है, एंड सम आर फ्री लिविंग ऑल्सो। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है, अभी यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल शुरू हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से सारे एनिमल्स विल बी डेवलप बाय थ्री डर्म्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड दी एंडोडर्म।
बट अगेन दे आर असिलोमेट एनिमल्स, प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल बॉडी में नहीं है. बायोलैटरल सिमेट्री बॉडी है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है. यस, व्हाई दे आर कॉल्ड एज प्लैटीहेलमिंथेस, बिकॉज दे आर डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, अनसेगमेंटेड है ना, पूरे बॉडी पे ऐसे लाइन लाइन कुछ नहीं है. Now this is again a very important point. The body is covered by cuticle. Cuticle का मतलब होता है covering. तो ये covering जो है इनको protect करता है. तो ये protection के लिए होता है. Yes, the cuticle is meant for protection. जो भी endo parasite होते हैं, endo means अंदर और parasite का मतलब अभी मैंने आपको बताया. तो body के अंदर रहने वाले endo parasite होते हैं. तो जो भी एंडो पैरासाइट होता है उनको अटैचमेंट के लिए या तो उनके पास सकर्स होते हैं या तो उनके पास हुक्स होता है माउथ रीजन में. या तो उनके पास सकर होता है जिससे कि वो चिपक जाएंगे या तो उनके पास हुक होता है जिससे कि वो लटक जाएंगे. जो भी पैरासाइटिक फॉर्म है उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनको रेडीमेड फूड मिलने वाला है इसीलिए, है ना. अगर टेप वर्म हमारे इंटेस्टाइन में रह रहा है तो इंटेस्टाइन में तो सारे फूड का डाइजेशन हो चुका है, तो उसको रेडीमेड फूड मिल रहा है तो उसको डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत ही नहीं है. गॉट इट? तो जो भी पैरासाइटिक वन होते हैं ना उनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, और जो फ्री लिविंग होते हैं उनके पास पुअरली डेवलप्ड होता है विद अ सिंगल ओपनिंग. रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी अभी नहीं देखने को हमें मिलेगा, हमें आगे के फाइलम में वो देखने के लिए मिलेगा. सो दीज आर सिस्टम्स आर एब्सेंट. यस, एक्सक्रीटरी सिस्टम फर्स्ट टाइम वी कैन सी. फर्स्ट टाइम देयर इज द ओरिजिन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स, ऑल्सो कॉल्ड एज द प्रोटोनेफ्रिडियम. रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज वेल डेवलप्ड, एनिमल इज बायसेक्सुअल. नर्वस सिस्टम वी कैन सी द गैंग्लियंस. गैंग्लिया का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल एंड नर्व कॉर्ड ऑल्सो. यस, लोकोमोटरी या सेंस ऑर्गन का जरूरत ही नहीं है ना. एक बार इंटेस्टाइन में पहुंच गए तो उनको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है. एक बार लिवर फ्लुक लिवर में पहुंच गया तो उसको किधर भी जाने का जरूरत नहीं है, कुछ सेंस भी करने का जरूरत नहीं है. तो सेंस ऑर्गन भी नहीं है, लोकोमोटरी ऑर्गन भी नहीं है, बोथ आर एबसेंट. But yes, they are having a very, very high power of regeneration. अगर हमने एक प्लेनेरिया को चार टुकड़े में कट कर दिया तो चार नए प्लेनेरियाज बन जाएंगे. So they are having a very high power of regeneration and therefore they are surviving. ठीक है? The examples you can see over here. Just have a look on all the points. कोई भी point नहीं समझाए तो you can ask me again. Go through all the points. लिवर फ्लूक जो है, यस, ये जो लिवर फ्लूक है ना, ये शिप के लिवर में रहता है. शिप, शिप जब ग्रेजिंग करती है ना उस वक्त ये ग्रास के थ्रू ही बॉडी के अंदर बॉडी में जाता है. लिवर में जाने के बाद इट कॉजेज अ डिजीज कॉल्ड एज अ लिवर रॉट, मतलब पूरी तरह से लिवर को सड़ा डालता है. और अगर इसका इन्फेक्शन एक बार शिप को हो गया तो वो शिप मर ही जाती है. जस्ट हैव अ लुक बिट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, फिर उसके बाद मैं आगे की फाइलम पे चलती हूँ. हो जाएगा पढ़ के तो प्लीज बताना. मिस गॉड, क्या बेटा आपका आवाज ब्रेक हो रहा है, क्या कह रहे हो? थर्ड सेंटेंस है ना, पॉजिटिव डॉर्सी वेंट्रल फ्लैट. थर्ड सेंटेंस डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट ये पूछ रहे हो?
डॉर्सल का मतलब क्या होता है बेटा? पीछे का साइड, और वेंट्रल का मतलब होता है आगे का साइड. तो आगे से पीछे से फ्लैट बॉडी लाइक अ रिबन. ठीक है? यस. गुड, वेरी गुड. यू आर आस्किंग डाउट्स. एनी अदर डाउट बेटा? ग्रुप ऑफ नर्व सेल. गैंग्लिया का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अ नर्व सेल. देखो ये डायग्राम में, एक मिनट. हाँ, ये जो है ब्रेन जो है वो गैंग्लिया से ही बना है. यहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रुप ऑफ नर्व सेल हुआ है तभी ये स्वोलन पार्ट है. तो यहाँ पे भी ऐसे गैंग्लियॉन्स है बहुत सारे छोटे 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 स्वोलन पार्ट. स्वोलन पार्ट इज बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ नर्व सेल, जिसको हम गैंग्लिया बोलते हैं. ओके मैम. सो नर्वस सिस्टम इज लैडर टाइप. ठीक है? और ये सारे एग्जांपल्स हैं. क्या बेटा? स्क्रीनशॉट लेना है. हाँ हाँ, ले लो ले लो. आप देख सकते हो इसमें हुक हुक भी है, सकर भी है, दोनों भी है. दिस आर द हुक्स, दिस आर द सकर्स. मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम प्लैटियल मेंटिसिस में उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम अब्सेंट रहता है ना. तो फिर वो रेस्पिरेट कैसे करते हैं? फिर वो रेस्पिरेशन बाय बॉडी वॉल. रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, आप समझे मेरी बात? लंग्स नहीं है, एल्वियोलाई नहीं है, समझा? बट बॉडी वॉल से दे आर डूइंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. ओके मैम, समझे. रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, मीन्स हार्ट जैसा कुछ नहीं है, लंग्स जैसा कुछ नहीं है, एल्वियोला जैसा कुछ नहीं है. ठीक है, चलो ना, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एस्किल हेलमेंथिस. एस्किल का मतलब होता है राउंड, और हेलमेंथिस का मतलब आपको पता ही है वर्म. तो एस्किल हेलमेंथिस में जितने भी राउंड वर्म्स है दे कम्स इन द एस्किल हेलमेंथिस फाइलम. Please note down, Ascale helminthes is also called as nemat helminthes. And one more word it is called as nematode. इसी को हम nematode भी बोलते हैं. तो ये phylum को तीन नाम से जाना जाता है. Either you can say Ascale helminthes, or you can say nemat helminthes, or you can say nematode. ठीक है? अच्छा, अभी ये पढ़ाने के पहले लेट मी टेल यू, यू मस्ट हैव हर्ड इन योर चाइल्डहुड आल्सो कि बचपन में जंतु का प्रॉब्लम हुआ रहेगा. ऑलमोस्ट सबको ही हुआ रहेगा जंतु का प्रॉब्लम, या फिर उसको नॉर्मली बोला जाता है कि पेट में कीड़े हो गए, है ना? मोस्टली जो टॉडलर्स होते हैं उनको ये होता ही है ये प्रॉब्लम. तो आपको जब डॉक्टर के पास गए रहोगे कि पेट में कीड़े हो गए हैं या पेट में जंतु हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर ने एक छोटा सा बॉटल दिया रहेगा एल्बेंडाजोल का, और वो पीते ही सब ठीक हो जाता है. ठीक है? तो ये जो जंतु हैं, ये जो कीड़े हैं, इट इज नथिंग बट दिस. ये फर्स्ट वाला जो फिगर आपको नजर आ रहा है दैट इज द एस्किरिस. ठीक है? तो ये एस्किरिस का इन्फेक्शन होता है. गॉट इट ऑल ऑफ यू? हाँ, मीठा खाने से होता है. आई विल टेल यू, बहुत सारे मिथ्स है कि मीठा खाने से होता है. आई विल टेल यू द आंसर फॉर दैट. सुनो मेरी सारी बातें. ठीक है? तो ये एस्किरिस जो है, ये जो जब इसका इन्फेक्शन होता है तो वो बीमारी को हम बोलते हैं एस्कैरियासिस. एस्कैरियासिस. ठीक है?
अच्छा अब आपके सामने तो ये बड़ा बड़ा नूडल्स के जैसा नजर आ रहा है, पर ये क्या हमारे पेट में जाएगा? नो, इसके एग्स जाते हैं। द एग्स आर माइक्रोस्कोपिक एग्स, ठीक है, जो हमें नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देंगे। और एक जो फीमेल होती है ना, एक फीमेल एक बार में कम से कम 2 लाख अंडे देती है, 2 लाख अंडे, 2 लाख, मिनिमम ऑफ 2 लाख अंडे। अब ये 2 लाख अंडे में से कुछ अंडे जो है अब ये सॉइल में भी सस्टेन करते हैं, ये जो एग्स है ना सॉइल में भी सस्टेन करते हैं। तो बाय मीन्स ऑफ कंटामिनेटेड फूड और बाय मीन्स ऑफ कंटामिनेटेड वाटर, ये वर्म्स कभी भी हमारे बॉडी में हम नहीं खाते। ये वर्म्स का जो एग है वो जाता है हमारे बॉडी में बाय ओरल और बाय फीकल रूट, ठीक है। हाउ इट हैज बीन पास्ड ऑन, इट इज पास्ड बाय ओरल फीकल रूट। अब इसका मतलब क्या है, हमने कुछ कंटामिनेटेड खाया या कंटामिनेटेड पानी पिया तो ये हो गया ओरल, अभी हमारे इंटेस्टाइन में जाके ये आराम से मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा, बहुत सारा ग्रो करेगा, और इसी के वर्म्स और इसी के एग्स वापस हमारे जिसको एस्कैरियासिस हुआ है उसके फीसेस में भी आएंगे, ठीक है। तो इसको कहा जाता है ओरल फीकल रूट। अभी समझो कोई बच्चा है और जिसको ऑलरेडी ये एस्कैरियासिस बहुत ज्यादा हुआ है, तो उसके फीसेस में ये एस्कैरिस के एग होंगे या कभी कभी लाइव वर्म्स भी दिखने को मिलते हैं। तो ये जो वर्म्स हैं, अगर ये बच्चा ने कहीं फार्म में जाकर डेफिकेशन किया, ठीक है, और फार्म में वहां पे वेजिटेशन है समझो, और फिर कोई दूसरा बच्चा गया वहां पे और उसने बिना धोए कुछ खा लिया, फिर ये सिस्ट वापस बॉडी में गए, तो ये ऐसे ही क्या होते हैं, बाय ओरल फीकल रूट ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारा मिथ है कि मीठा खाने से ये वर्म्स होते हैं, ठीक है, नॉट एट ऑल। अगर ये वर्म्स ऑलरेडी आपके बॉडी में हैं और अगर उसके ऊपर आप मीठा खा रहे हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। सी ऑल द वर्म्स ऑल द एनिमल्स रिक्वायर्स ग्लूकोज फॉर मैनिफेस्टेशन और फॉर ग्रोइंग, ठीक है। वैसे ये वर्म को भी अगर ग्लूकोज ज्यादा मिलता जाएगा तो ये और ब्लूम होते जाएंगे और इसका नंबर फटाफट 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 बढ़ते जाएगा। तो अगर गलती से अगर कोई बच्चे को कुछ इन्फेक्शन है, अगर उसमें उसको कुछ मीठा दे दिया गया खाने के लिए और वो बच्चा मीठा खाने लगेगा तो ये वर्म्स और ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इट इज नॉट बिकॉज कि मीठा खाने से होता है, बट अगर ये इन्फेक्शन है और उसमें मीठा खाया तो ये वर्म्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गॉट इट ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट दिस एल्स्केल हेलमेंथस। तो ये तो ठीक करने का एक आसान तरीका है, वो जो कीड़े का दवाई आता है, बॉटल आता है, सिरप आता है जिसपे एल्बेन डिसॉल्व कंटेंट होता है, वो एक सिरप पिया तो ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ आप नीचे भी कुछ देख सकते हो, दैट इज अ वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी विच इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ राउंड वर्म, बट ये राउंड वर्म थोड़ा खतरनाक है, ठीक है। ये खतरनाक कैसे है, इट विल लीड टू द एलिफेंटियासिस। सुना है कभी नाम आपने एलिफेंटियासिस? यस, एक पैर बहुत छोटा या बड़ा हो जाता। नो नो, हाथी पांव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एक पैर छोटा बड़ा हो जाता है, जिस पैर में जो भी पैर में ये बैनक्रॉफ्टी गया, ये फाइलेरियासिस गया, वो पैर तो एकदम मोटा होते होते पूरा एलिफेंट के जैसा हो जाता है। अगर दोनों पैर में हो तो दोनों पैर हो जाएंगे। समझ में आया? ये वर्म्स जाते कैसे हैं? अब इसको वर्म्स को पहुंचाने के लिए मच्छर मदद करता है, मॉस्किटो मदद करता है। मॉस्किटो के थ्रू ये वर्म्स जो हैं वो हमारे स्किन में पेनिट्रेट करते हैं और फिर हमारे स्किन में हमारे लोअर एपिडर्मिस में ग्रो करते हैं, विच विल लीड टू द एलिफेंटियासिस। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ऐसा ये राउंड वर्म के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ द स्पेशल पॉइंट अबाउट दिस एस्केल हेलमेंथिस, देखो अब हम एक फाइलम आगे आ गए हैं, तो इसके अंदर हमें क्या अच्छी चीजें मीन्स क्या एडवांसमेंट देखने को मिल रहा है, तो इसके अंदर हमें सेक्सेस सेपरेट देखने को मिल रहा है। वी कैन सी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। व्हाट इज सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म?
सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब होता है जब भी कभी कोई एनिमल को आप अगर बाहर से एक्सटर्नल फीचर्स को देखकर अगर आप समझ पाते हो कि ये मेल है या फिर फीमेल है, इसको कहा जाता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। तो हम इसे कैसे पता करेंगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है? तो आप देख सकते हो डायग्राम में जो फीमेल होती है वो काफी लंबी होती है। द फीमेल इज लॉन्गर एज कंपेयर टू मेल एंड द फीमेल इज स्ट्रेट, जबकि जो मेल है इट इज शॉर्टर विथ अ कर्व्ड एंड, पोस्टीरियर एंड जो है देखो इसका कर्व्ड है। तो मेल के पास कर्व्ड एंड होता है, यस, जिसपे पीनियल सीटे होता है फॉर रिप्रोडक्शन, और जो फीमेल होती है वो लॉन्ग एंड स्ट्रेट होती है। तो हमें ये फाइलम में क्या एडवांसमेंट देखने के लिए मिला कि वी कैन सी द सेक्सेस आर सेपरेट एंड विथ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मतलब हम बाहर अगर आपको बहुत सारे वर्म्स रख दिए तो आप आसानी से मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हो बाहर से देखकर बिना कट किए, ठीक है ना? यस, सो यू कैन सी द मेल एंड फीमेल ओवर हियर। Somebody is telling something but I can't hear you beta, your voice is breaking. If you don't mind you can message me in the chat box also because I can't hear, your voice is breaking. Please message me. Bolo. Yes, tell me beta. Pronoun. Huh? Please say repeat. See beta, your voice is very much breaking. You please message me in the chat box. मैम वो रिपीट करने के लिए बोल रहा है। अच्छा अच्छा, मेल फीमेल का बोल रहा है रिपीट करने को। ओके 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 ओके, थैंक यू। ओके, सो मेल और फीमेल में क्या डिफरेंस है? जो फीमेल होती है वो लॉन्ग एंड स्ट्रेट होती है, जबकि जो मेल होता है वो फीमेल से छोटा होता है, शॉर्टर होता है एंड विथ अ कर्व्ड टेल होता है, विथ अ कर्व्ड टेल। गॉट इट? तो जब हम बाहर से देख के मेल और फीमेल को सेपरेट कर सकते हैं ऐसे इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, ठीक है ना? अभी यहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स आते जाएगा आई विल एक्सप्लेन यू। सो दे आर मोस्टली पैरासाइटिक। पैरासाइटिक में कौन कौन सा है? अभी मैंने आपको बताया एस्केरिस पैरासाइटिक है, एंडो पैरासाइट है क्योंकि वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर रहता है। इवन बैनक्रॉफ्टी, वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी भी क्या है? पैरासाइटिक है, एंडो पैरासाइट है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, जो सॉइल में रहते हैं या फिर कहाँ रहते हैं? पानी में रहते हैं। बॉडी इज बायलैटरल सिमेट्री एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक अगेन। अभी यहां से प्लैटीहेलमिंथिस के बाद सारे लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं। अभी देखो सीलोमेट में फर्क आपको नजर आएगा। अभी इसके पहले तक क्या था? सब असीलोमेट था, पर अभी यू कैन सी द एनिमल हैज कम इनटू द कैटेगरी ऑफ स्यूडो सीलोमेट। स्यूडो सीलोमेट, फॉल्स सीलोम विथ ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। मैंने ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान का कैरेक्टरिस्टिक क्या बताया था? व्हेन द एनिमल इज हैविंग टू डिफरेंट ओपनिंग एज माउथ एंड एनस। व्हेन द एनिमल इज हैविंग टू डिफरेंट ओपनिंग एज माउथ एंड एनस देन दैट टाइप ऑफ एनिमल आर कैटेगराइज्ड इनटू ट्यूब विथ इन ट्यूब बॉडी प्लान। जो लोग एंडो पैरासाइट है अगेन उनका बॉडी इज बीन कवर्ड विथ अ थिक थिक क्यूटिकल। क्यूटिकल किस लिए होता है? प्रोटेक्शन के लिए होता है। दे आर विदाउट सीलिया और एनी अपेंडेजेस, क्योंकि लोकोमोशन करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। सीलिया रहेगा तो लोकोमोशन होगा या अपेंडेजेस होगा तो लोकोमोशन होगा, तो इनको लोकोमोशन करने का कुछ जरूरत ही नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, है ना? सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम इज अगेन एबसेंट। Nervous system, as you can see, it is in the form of nerve ring and nerves. Excretion वापस same है, protonephridia. Yes, यहाँ का special point क्या है? The special point, ये pseudocoelomate है और दूसरा वाला क्या है?
सेक्सेस आर सेपरेट, यूनिसेक्स हो गए. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वी कैन सी इन एस्केरिज, मेल आर शॉर्ट फीमेल्स आर लॉन्ग. गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये फाइलम में हमें एक्स्ट्रा क्या देखने के लिए मिल रहा है, सबसे पहला बात स्यूडोसिलोमेट, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सेस आर सेपरेट सेक्सुअल सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. बाकी का ऑलमोस्ट सारा पॉइंट्स सेम है ऑफ लाइक ऑफ प्लैटीहेलमिंथस. ठीक है, एक बार जस्ट देख लो ये सारा पॉइंट्स. हाँ बेटा बोलो. डायोशियस मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब अलग अलग, सेक्सेस आर सेपरेट ना, तो डाई मीन्स टू, डायोशियस मीन्स टू डिफरेंट एनिमल्स आर देयर फॉर मेल एंड फीमेल. गॉट इट? यस. डाई का मतलब ही होता है टू. एक बार आप सब एनिमल्स देख लो वापस. सो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी के वजह से होता है, एलिफेंटियासिस, वो अभी आपको नहीं पढ़ना है, यू विल बी लर्निंग दैट इन हायर क्लासेस कि कौन से वर्म से कौन सा बीमारी होता है, पर अभी आपको सिर्फ इसका कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है. ठीक है, चलो. Now for today, the last phylum which we are going to learn for today is the Annelida. Annelida ka khas baat kya hai? Ki Annelida are been called as a segmented worm. Aap dekh sakte ho, pure body pe segments nazar aa rahe hai. Ring like ke jaise structures nazar aa rahe hai. Yes, pure body pe ring like structures hai. Aapke samne teen examples hai. Main teenon examples ko leke hi aapko explain karti hun. जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है नेरीज. नेरीज इज अ फ्री लिविंग वन. यस, अर्थवर्म, इट लिव्स इन द सॉइल, है ना. अर्थवर्म किधर रहता है? सॉइल में रहता है ना. एंड देयर बीन कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर. व्हाई देयर बीन कॉल्ड एज अ फ्रेंड ऑफ द फार्मर? द फर्स्ट पॉइंट इज दे आर लूजनिंग द सॉइल व्हेन दे आर डिगिंग द सॉइल. ये लोग सॉइल को लूज करते हैं. सेकेंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द अर्थवर्म इज देयर एक्सक्रीटा. जो उनका वेस्ट है, इट इज वेरी गुड मैन्योर फॉर द प्लांट्स. ये अर्थवर्म खाता क्या है? अर्थवर्म ऑर्गेनिक चीजें, जो सॉइल में ऑर्गेनिक सब्सटेंस है सॉइल के अंदर, वो ये खाता है. उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस का और एंजाइमेटिक एक्शन होता है. और जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, इट्स अ वेरी गुड मैन्योर टू द प्लांट्स. ठीक है, इसके लिए अर्थवर्म का कल्चरिंग किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट. ठीक है, आजकल अर्थवर्म का कल्चरिंग किया जाता है जिससे कि हमें ऑर्गेनिक मैन्योर मिल सके. ठीक है, नेक्स्ट वन इज लीच. अब ये लीच नहीं, लीच क्या है? दुश्मन है हमारा. ठीक है, अर्थवर्म तो फ्रेंड है और लीच कौन है? दुश्मन है. क्यों दुश्मन है? हाँ हाँ, ओके, पूछ लिए वाय. अच्छा, ओके, मुझे सुनाई दिया मैम कुछ, मुझे लगा वो कुछ पूछ रही है मुझे. आई एम टेलिंग बेटा, व्हाई आर यू सो डेस्परेट? आई एम टेलिंग द आंसर्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ दुश्मन फॉर अवर सेल्फ? बिकॉज इट्स अ एक्टो पैरासाइट. एक्टो
एक्टो, एक्टो मतलब बॉडी के बाहर रहने वाला पैरासाइट। ये जो लीच है ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। तो जो भी मैमल्स, फिर वो काऊ हो, बफेलो हो, या हम ही हो, ह्यूमन बींग्स ही हो, अगर आप तालाब में जा रहे हो नहाने के लिए या रिवर में जा रहे हो नहाने के लिए, एकाक ये लीच अगर आपको चिपक गया तो वो छोड़ेगा ही नहीं, है ना। एकाक अगर ये लीच अगर अपने बॉडी में चिपक गया तो वो जब तक एकदम उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो इतना छोटा से एकदम बड़ा नहीं हो जाएगा, वो तब तक आपको छोड़ेगा ही नहीं। तो उसको छुड़ाने के लिए लोग क्या करते हैं, नमक लगाते हैं। नमक डालेंगे तो ये तुरंत छोड़ देते हैं, है ना, गांव में ऐसा करते हैं। ट्यूमरिक भी मिस, हाँ ट्यूमरिक, हाँ टर्मरिक भी, करेक्ट। सो लीच इज अ टाइप ऑफ एक्टो पैरासाइट विच इज बीन फाउंड इन द वॉटर, एक्वाटिक एनिमल है। तो नेरीज ना फ्रेंड है ना दुश्मन है, अर्थवर्म फ्रेंड है और लीच हमारा दुश्मन है। आ, बोलो। ओके, बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट द स्किन, नमक या टर्मरिक डालने से क्या होता है, सी द बॉडी इज वेरी सॉफ्ट। ये रेस्पिरेशन कैसे करता है, बाय बॉडी इटसेल्फ। तो जब भी इसका स्किन इतना सॉफ्ट है, जब आप इसके ऊपर सॉल्ट डालोगे तो इसका सारे जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं एंड ऑस्मोटिक बैलेंस भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो व्हेनेवर द पोर्स आर बीन ब्लॉक्ड, रेस्पिरेशन रुक जाता है। और फिर आप देखोगे कि जब भी अर्थवर्म पे भी आप कभी देख सकते हो, आप अर्थवर्म पे भी अगर आप डाल रहे हो सॉल्ट तो वो ऐसे तड़प तड़प के मरता है। ठीक है, रीजन इज बिकॉज deprived of respiration नहीं कर पाता इसीलिए। Okay, next when we talk about the structure, they are commonly called as the ringworm, as you can see ring like structures all over the body, so they are commonly called as a ringworm, also called as a segmented worm. They are aquatic, they are ectoparasite, or they are free living, or they are burrowing in the moist soil. बॉडी कैसा है, बायलैटरल सिमेट्री है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड। अभी मेटामेरिज्म का मतलब मैंने आपको बताया था पहले, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, व्हेन आउटर सेगमेंट कोइंसाइड्स विद द इंटरनल सेगमेंट ऑफ द बॉडी, दैट इज कॉल्ड एज अ मेटामेरिज्म। अच्छा, अब ये चलता कैसे, अगर आपने कभी अर्थवर्म को देखा होगा तो अर्थवर्म दोनों साइड से चल सकता है, मतलब आगे से भी और पीछे से भी, अपने लोकल ट्रेन के जैसा है, लोकल ट्रेन के जैसा आगे भी चल सकता है पीछे भी चल सकता है। क्यों ऐसा, लोकल ट्रेन में कैसे होते हैं, टायर्स हर जगह रहते हैं ना, सिमिलरली इसके भी पूरे बॉडी में सीटेज होते हैं। यू कैन सी द डायग्राम में यहाँ पे सीटा है पॉइंटिंग ओवर हियर, ये सीटेज जो है ना इनके पूरे बॉडी पे प्रेजेंट है, पूरे ऑल ओवर बॉडी पे प्रेजेंट है फ्रॉम हेड टू टेल। So and therefore because of that they can move in forward also or in the backward direction also. Okay. Next, when we talk about the setae are there for locomotion, agar aap nares ke bare mein baat karoge to nares ke paas hota hai parapodia, aap dekh sakte ho uske paas parapodia hai jisse chalta hai, par agar aap leech ki baat karoge to leech ke paas suckers hota hai, suckers, ye suckers ki madad se chal pata hai। ठीक है, तो लोकोमोटरी ऑर्गन तीनों में अलग अलग है, नेरीज में पैरापोडियम, अर्थवर्म में सीटे और लीच में सकर्स। लेट अस टॉक अबाउट द सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट है, रेस्पिरेशन बाय द बॉडी वॉल से ही करता है ये, सर्कुलेटरी सिस्टम, यस नाउ अगेन हमें सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिल रहा है, मतलब शुरुआत हो रही है सर्कुलेटरी सिस्टम का। इनके पास भी रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड, और ब्लड वेसल भी होता है। ठीक है, अगर आप कभी अर्थवर्म को ध्यान से देखोगे तो आपको उसके बॉडी के सेंटर में ब्लड वेसल भी नजर आएगा और उसके अंदर रेड कलर का ब्लड भी नजर आएगा। दैट मीन्स दे आर शोइंग क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। देर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। क्लोज टाइप का मतलब होता है जब ब्लड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है,
तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड टाइप। और जब ब्लड ऐसे ही बिना ब्लड वेसल्स के बॉडी में घूमता रहता है तो उसको हम बोलते हैं ओपन टाइप। तो हमारे पास भी ब्लड वेसल्स है ना, आपको हाथ पे दिखाई देगा वेन्स वगैरह, उसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो होता है। तो हमारे पास भी कैसा टाइप का है, क्लोज्ड टाइप का है। वैसे ही अर्थवर्म के पास भी क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगेन दिस इज अ रिमार्केबल पॉइंट इन द इवोल्यूशन। एक्सक्रीशन की अगर आप बात करोगे ना बेटा, तो अभी तक प्रोटो प्रोटोनेफ्रिडिया था, अब एनेलिडा में आते ही ये प्रोटोनेफ्रिडिया एडवांस हो गया, अब वो क्या हो गया, नेफ्रिडिया हो गया। समझ में आ गया? सो एक्सक्रीशन इज विद द हेल्प ऑफ नेफ्रिडिया। नर्वस सिस्टम भी डेवलप हो जाता है इनका। नर्वस सिस्टम इज ऑल्सो वेल डेवलप्ड इन द फॉर्म ऑफ नर्व रिंग एंड नर्व कॉर्ड, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड। अगेन एनिमल बिकम्स हर्माफ्रोडाइट। बहुत सारे अगर बहुत सारे इनके अंदर देखो, यहाँ पे अब एक्सक्रीटरी सिस्टम डेवलप हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हो गया, यस, लोकोमोशन ऑर्गन आ गया, तो यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम्स डेवलप हो गया, तो फिर से एनिमल क्या हो गया, हर्माफ्रोडाइट हो गया। मीन्स बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम एनिमल। तो दिस इज अ सेप्टल नेफ्रिडिया, जिसके थ्रू वो चल जिससे वो लोकोमो एक्सक्रीशन करता है। पहले के बैचेस में ठीक है अर्थवर्म का डिसेक्शन रहता था, और अर्थवर्म के डिसेक्शन में बच्चे ये निकालते थे, अर्थवर्म के बॉडी में से सेप्टल नेफ्रिडिया निकाल के देखते थे। बट अभी आपके टाइम में तो सारा डिसेक्शन बैन कर दिया है, कुछ भी डिसेक्शन नहीं है। ठीक है, अच्छा मैं लीच के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताऊंगी। लीच हैज मेनी ऑफ द इट इज बीन यूज्ड इन मेडिसिंस। लीच जो है ना, उसको मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। सी लीच का आदत क्या है कि वो चिपक जाएगा और ब्लड को सक करेगा। इट इज सैंजियोवोरस एनिमल। सैंजियोवोरस का मतलब क्या होता है बेटा, सैंजियोवोरस मतलब कि ब्लड सकिंग एनिमल्स। आप देख सकते हो उसके सक्कर को यहाँ पे। तो मेडिकल फील्ड में जैसे अगर किसी को बहुत बड़ी पस फॉर्मेशन हुआ है, बहुत बड़ा सा फोड़ी हुआ है और बहुत बड़ा बॉइल्स हुआ है, ठीक है, तो उसको कट करके उसको प्रेस करके निकालना बहुत ही पेनफुल होगा। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में लीच को ग्रो करके रखते हैं। तो लीच को जो बॉइल है, जहां पे बहुत ज्यादा पस फॉर्मेशन है, बस वो लीच को वहां पे चिपका देने का, लीच फटाफट फटाफट सारा ब्लड को सक कर देता है, गंदा सारा ब्लड सारा पस को वो सक करके निकाल देता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द लीचेस, जैसे ही हमारे स्किन को पंचर करता है, व्हेन इट पंचर्स अवर स्किन, इट रिलीजेस वन केमिकल कॉल्ड एज हिरियुडिन। हिरियुडिन नाम का ये केमिकल रिलीज करता है हमारे ब्लड वेसल्स में, विच इज अ टाइप ऑफ एंटीकोएगुलेंट। एंटीकोएगुलेंट मतलब जब तक ये ब्लड सक करना चाहेगा तब तक हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। तो ये जो हिरियुडिन नाम का केमिकल है इसके बॉडी में, वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो ब्लड बैंक में उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यस, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट था अबाउट द लीच। यस बेटा, I don't know who is talking. Just a second, I have to locate. See, bacha, your voice is not at all audible to me. I don't know how others are able to hear you, but I am not at all able to hear you. Your voice is breaking. So I am requesting you, whatever is your doubt, please message me in the chat box. और else किसी और को समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है? No, ma'am, no, no. अच्छा चलो ठीक है, एनेलिडा का ये पॉइंट्स एक बार देख लो, कोई भी पॉइंट्स नहीं समझा है तो प्लीज आस्क मी। फ्री लिविंग है, मरीन होते हैं या फ्रेश वाटर होते हैं। एक्टोपैरासाइट का एग्जांपल कौन है, लीच। बरोइंग का एग्जांपल कौन है, अर्थवर्म। बायलैटरल सिमेट्री है, ट्रू सीलोमेट हो गया। अभी देखो
हमने एस्केल हेलमेंथिस में क्या पढ़ा था, स्यूडोसिलोमेट। अब यहाँ पे एनिमल क्या हो गया, ट्रू सिलोमेट हो गया, हमारे जैसा हो गया। ट्यूब विद इन ट्यूब है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बॉडी इज कवर्ड विद क्यूटिकल, क्यूटिकल फॉर प्रोटेक्शन। लोकोमोशन या तो सीते से, या तो पैरापोडिया से, या तो सकर से। सकर में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड है, कंप्लीट है। रेस्पिरेशन स्किन से होता है। इनके पास रेड कलर का ब्लड क्यों है, क्योंकि इनके ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ट्यूबुलर हार्ट भी है, नर्वस सिस्टम गैंग्लियोनेटेड है, सेंस ऑर्गन भी प्रेजेंट है, हर्माफ्रोडाइट है, सेक्सेस आर, कुछ कुछ लोगों में सेक्सेस मे बी सेपरेट, इट इज नॉट ऑलवेज बट मे बी सेपरेट, जैसे कि नेरीज यूनिसेक्सुअल है। लीच एक्टोपैरासाइट है, सैंजियोवरस का मतलब क्या होता है, विच फीड्स ऑन द ब्लड। द सलाइवा ऑफ द लीच कंटेन एंटीकोएगुलेंट कॉल्ड एज अ हिरुडीन दैट इज यूज टू रिमूव रॉटन ब्लड ड्यूरिंग ऑपरेशंस। ठीक है, एन एग्जाम्पल हैज बीन शोन। मैम हाँ बोलो। लीचेस में, लीचेस यूनिसेक्सुअल होते हैं या बाइसेक्सुअल? हर्माफ्रोडाइट, हर्माफ्रोडाइट लीचेस, हर्माफ्रोडाइट। ओके मैम, ओके।